धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी वर्सिटी की ऑनलाइन कक्षा में। हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल का अध्ययन कर रहे हैं और इस भक्ति काल का अध्ययन करते समय हम लोगों ने अब तक भक्ति काल की विशेषता, भक्ति काल की पृष्ठभूमि, भक्ति काल के उदय, भक्ति के उदय के कारण और उसके अंतर्गत हम लोगों ने निर्गुण पंथ काव्यधारा की बात की। इस निर्गुण पंथ में दो काव्यधाराएँ शामिल हैं, संत ज्ञानश्री शाखा और सूफी प्रेमाश्रय शाखा। तो संत ज्ञानश्री शाखा और सूफी प्रेमाश्रय शाखा का अध्ययन हम लोगों ने किया, लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि संत काव्यधारा और सूफी प्रेमाश्रय शाखा या सूफी प्रेमाश्रय काव्यधारा, इन दोनों के बीच हम लोगों ने जो भी बातें की इस डिजिटल बोर्ड माध्यम से, इसमें जो भी नोट्स लिखा गया, जो भी नोट्स आपको मैंने समझाया, वह नोट्स बहुत ही उपयोगी है और उसकी एक एक लाइन में सवाल है, एक एक पंक्ति में सवाल है, उसको ज़रूर आप ध्यान रखें, चाहे वो सिद्धांत की बात हो या कवियों से संबंधित तथ्यों की बात हो। इसके बावजूद ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको नहीं बताई जा सकती या नहीं बताई जाती, क्योंकि हर क्लास की अपनी एक सीमा होती है। तो उन बातों को हमने अपने जो प्रिंटेड नोट्स हैं या फिर जो टेस्ट होगा, उस प्रिंटेड नोट्स और टेस्ट के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से जो मटेरियल आपके पास इकट्ठा होगा, जो स्टडी मटेरियल आपके पास एकत्र होगा, चाहे इस बोर्ड के माध्यम से हो, चाहे आपके टेस्ट के माध्यम से हो, चाहे वो प्रिंटेड मटेरियल स्टडी मटेरियल के माध्यम से हो, जब उन तीनों को पढ़ लेंगे, बहुत गौर से ध्यान से सुने, जब उन तीनों को पढ़ लेंगे तो आपकी 4 से 5 महीने में जो तैयारी होगी, उस तैयारी के बाद अगर अनसॉल्व उठाते हैं तो एक भी प्रश्न आपके अनसॉल्व से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अर्थात जो पढ़ाया जा रहा है बोर्ड से, उसको आप लिखते जाएं, याद करते जाएं, आपको नोट्स जो भेजा जाएगा तैयार होने के बाद, जो अभी अपडेटिंग हो रही है, काम चल रहा है उस पर लगातार, जो भेजा जाएगा वह नोट्स, और जो ऑनलाइन हम टेस्ट की प्रक्रिया शुरू करेंगे, वो तीनों के माध्यम से जो भी मटेरियल आपके पास इकट्ठा होगा, तैयार होगा, आप यकीन जानिए कि केवल टीजीटी पीजीटी ही नहीं बल्कि हिंदी से संबंधित ऐसी कई परीक्षाएं होंगी जिनमें आप इस तैयारी से अब भाग लेंगे और उनमें श्रेष्ठतम अंक हासिल करके अपना नाम ऊंचा करेंगे। तो आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े रहें, विश्वास के साथ जुड़े रहें, और मैं अपने इसी निष्ठा और ईमानदारी की वजह से पहचाना जाता हूँ हिंदी जगत में, कि मैंने अब तक जिन भी विद्यार्थियों को शिक्षित किया, पढ़ाया, समझाया या मार्गदर्शन किया, तो मेरे मार्गदर्शन से उनकी सफलता बहुत आसान हो गई, उनके रास्ते बहुत आसान हुए, और मुझे खुशी होती है, मुझे गर्व होता है कि जो विद्यार्थी मेरे पास ज़ीरो से आए थे, वे आगे बढ़ करके आज टॉपर लिस्ट में आते हैं। आपको मैं बता दूँ कि PCS में, STM बनने वाले लड़के, समीक्षा अधिकारी में अंडर 10 आने वाले लड़के, नेट GRF में पूरे इंडिया में टॉप करने वाले लड़के, TGT PGT में इस बार आपको जान करके हैरत होगी कि 69 लड़के मेरी अपनी संस्था से इंटरव्यू दे रहे हैं, और 69 लड़कों ने जो तैयारी की है उनकी मेरिट आपको सुन करके हैरत होगी। जब इंटरव्यू दे करके कोई लड़का निकलता है और उससे कोई पूछता है कि आप इंटरव्यू कैसा रहा, तो कहता बहुत अच्छा, कितने क्वेश्चन आपने किए थे, तो बताया है कि 119, 120, 170, 118। तो इतना कहने के बाद कोई पूछता है कि आप कहाँ पढ़ाई किए थे, आपको यकीन न हो तो आप जाकर के माध्यमिक आयोग के सामने खड़े होकर के लड़कों से बात करें, तो कहते हैं कि डॉक्टर अंसारी से। जब मैं सुनता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ, और मुझे सबसे बड़ा इनाम यही मिलता है, आपकी जो फीस आती है उस फीस से जो मुझे तनख्वाह मिलती है, उतनी खुशी नहीं होती जितनी ये सुनकर के खुशी मिलती है कि मेरे संस्थान में पढ़ने वाले लड़के आए, 6 महीने कोर्स किए, फिर 1 साल सेल्फ स्टडी किए, फिर उसके बाद जब वो परीक्षा में बैठते हैं या तैयारी करने के साथ साथ गंभीरता से दुगुने वेग से जब वो तैयारी करके परीक्षा में बैठते हैं तो वो रिजल्ट देते हैं, और 125 प्रश्नों के साथ वो 117, 118, 119, 120, 122, एक लड़का तो 123 प्रश्नों को सॉल्व करके गया, और 123 प्रश्नों के साथ उसने इंटरव्यू दिया, और यकीन जानिए वो भी सिलेक्शन लेगा, और उसे हो सकता है कि उसका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, तो इससे अच्छी खुशी की बात क्या होगी।
मैंने भविष्यवाणी कर दी है कि वह लड़का हायर एजुकेशन में अपनी जगह बनाएगा, और बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। कम से कम सैकड़ों, सौ नहीं, सैकड़ों विद्यार्थी जो हायर एजुकेशन में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, एडेड डिग्री कॉलेज में जा कर के और मेरा नाम ऊँचा कर रहे हैं, अपने घर परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। तो जो स्टडी मटेरियल आपको इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से दिया जा रहा है, जो मैंने तैयार किए हैं, जो स्टडी मटेरियल मैंने तैयार किए हैं, उसकी एक एक लाइन में उत्तर है, प्रश्न है, उत्तर है। उसको एक एक लाइन गंभीरता से पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा, प्रिंटेड नोट्स जो आपको भेजा जाएगा कोरियर द्वारा, उस प्रिंटेड नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत है आपको, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। तीसरी बात, जो हम आपको बीच बीच में टेस्ट पेपर कराएंगे, उस टेस्ट पेपर के माध्यम से जो आपकी तैयारी होगी, प्रश्नों की तैयारी होगी, उससे भी आपके ज्ञान में बहुत लाभ मिलेगा और आप परीक्षा में बहुत अच्छी तैयारी करके आगे निकल सकते हैं। तो कहने का आशय यह है कि बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी से, विश्वास के साथ आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और मेरा वादा है कि मैं अपनी मेहनत में तनिक भी कोताही नहीं करूँगा और आप तक उच्चतम ज्ञान, गुणवत्तापूर्ण ज्ञान आप तक पहुँचाऊँगा, कि आप एक अच्छी संकल्पना के साथ, एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाते हुए आप अपनी परीक्षा पास करें और जिस भी विद्यालय में जाएं, वहाँ के बच्चे आपके ज्ञान से लाभान्वित हों, महज नौकरी ही नहीं करें, बल्कि शिक्षक का काम केवल पढ़ाना नहीं होता, वो सोशियो पॉलिटिकल एजुकेट भी करता है। हर मनुष्य में अपनी अपनी कुछ कमियां होती हैं, लेकिन शिक्षक की भूमिका पाते ही, जैसे ही वो इस मंच पर आता है विद्यार्थियों के सामने, वो सोशियो पॉलिटिकल एजुकेट करने लगता है। तो आपका काम केवल शिक्षा देना नहीं है, बल्कि अपने आचरण से सोशियो पॉलिटिकल एजुकेट करना भी है। तो इस दिशा में आप जहाँ भी जाएं, आप अपना नाम रोशन करें, और हम जानते हैं कि आपके नाम के साथ मेरा नाम भी चमकेगा, क्योंकि अब उर्दू में एक बहुत पुराना शेर है कि तुम्हारे ख्वाब की रंगीनियों में गुम होकर, ख्वाब माने स्वप्न, तुम्हारे ख्वाब की रंगीनियों में गुम होकर खिजा में देखते हैं ख्वाब हम बहारों का। तुम्हारे जो ख्वाब हैं उनकी खूबसूरती में हमारी खूबसूरती है, और उन्हीं खूबसूरती के बीच जो तुम्हारे सपने सजोए गए हैं, उन्हीं सपनों में हम अपने बहार के, अपने बसंत के सपने देखते हैं। तुम्हारे ख्वाब की रंगीनियों में गुम होकर खिजा में देखते हैं ख्वाब हम बहारों का। उस खिजा में, उस पतझर में हम अपनी भी उम्मीद एक देखते हैं कि आप इंटरव्यू से जब लौटें और रिजल्ट में अंडर 10 में आपका नाम हो, और आप अपने जीवन के सफल रास्ते की शुरुआत कर सकें, और एक एक कदम बढ़ाते हुए आप अपने नाम को और फैला सकें। इसलिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आपको लगे रहना है, मेहनत करनी है, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं आप तक इस 4 से 5 महीने के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन स्टडी मटेरियल और अपने लेक्चर के द्वारा उपलब्ध कराऊंगा, ताकि आप अपनी सफलता में पूरी कोशिश करके आगे निकल सकें। तो पिछले दिनों हम लोगों ने जिस भक्ति काल की शुरुआत की थी, उसका एक खंड, अर्थात यूँ कह लें कि निर्गुण काव्यधारा का जो खंड है, जिसमें संत ज्ञानाश्री शाखा के कवि और संत सूफी प्रेमाश्री शाखा के कवि थे, उनका चैप्टर समाप्त हुआ, और आज हम लोग पढ़ेंगे सगुण भक्ति काव्यधारा। अब सगुण भक्ति काव्यधारा क्या है और सगुण भक्ति काव्यधारा कैसे शुरू हुई, तो सबसे पहले तो जान लें कि सगुण, स मतलब साथ, गुण माने गुण, और हमारे समय में 3 गुण हैं, माना जाता है हमारे शास्त्र में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, और इन तीनों गुणों को धारण कोई सजीव ही करता है, जो स्वरूप हो, जिसका अपना शरीर हो, अर्थात स्वरूप ही गुण को धारण करता है, इसलिए इसे सगुण कहा गया। और गुण जब धारण करेगा कोई स्वरूप, तो उसका रूप होगा, और रूप अगर है तो ये निश्चित करना पड़ेगा कि स्त्री है या पुरुष। तो स्त्री या पुरुष होने के लिए हमें यह देखना होगा कि प्रभावशाली कौन है इस समाज में। आप जानते हैं सदियों से पूरे विश्व में, केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में पितृसत्तात्मक समाज रहा है। पितृसत्तात्मक समाज के पीछे कारण यह था कि पुरुष अपने शरीर से और शरीर की बनावट से इस ऐसे उबड़ खाबड़ संघर्षरत संसार के बीच मजबूती से डटा रहता है, इसकी फिजियोलॉजी ही ऐसी है। तो वह शुरू से ही इस समाज का नेतृत्व करता चला आया। इस नेतृत्व करने में जब जब वो थका है, हताश हुआ है, हारा है और पलायन की ओर भागा है, तब तक तब तब इसी
सृष्टि की स्त्रियों ने उसका मनोबल बढ़ाया है, उसको प्रेरणा दी है, उसको प्रेरित किया है, और तब जा कर के यह संसार सुंदर बन सका है। हताश पराजित मनोवृत्ति वाले मनुष्य में आशा कर्म विश्वास का संचार भरने वाली स्त्री, अगर ये दोनों स्त्री पुरुष का समन्वय न होता तो यह संसार हमारा कभी भी सुंदर नहीं बन पाता। इसलिए कहा जाता है कि यह संसार स्त्री पुरुष दोनों के समन्वय से सुंदर बनता है। तो जब जब मनुष्य अपने नेतृत्व की बात करता है तो इस समाज के इस जीवन शैली के अनुकूल पुरुष को उसमें बहुत मजबूती से डटे पाता है, और उसको और सुंदर बनाने में स्त्री भी पीछे नहीं रहती, वो उसकी भी बड़ी भूमिका रहती है। तो जब जब मनुष्यों ने अपने आलंबन स्वरूप उस असीम अगम्य अगोचर ईश्वर की संकल्पना की, और संकल्पना करके जब उसे स्वरूप किया, उपनिषदों में वर्णित उस अगोचर अदृश्य अनत अचल असनाभिरम उस अरूप ईश्वर को जब स्वरूप प्रदान करने की बात आई, तो इस सांसारिक पुरुष ने उस अरूप को स्वरूप देते हुए पुरुष का रूप धारण कराया। और जब पुरुष का रूप धारण कराया तो जाहिर सी बात है कि जैसे एक पुरुष के पास अपना एक समाज होता है, रहन सहन होता है, खान पान होता है, वस्त्र भूषण आदि होते हैं, तो उस वह ब्रह्म ही है। और ब्रह्म जब मनुष्य के रूप में कल्पित किया गया है तो उसे भी अच्छे वस्त्र मिलने चाहिए, उसे भी अच्छा भोजन मिलना चाहिए। तो अच्छे वस्त्र और अच्छे भोजन की प्रक्रिया में हम लोगों ने धीरे 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 और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ बनाने के लिए हम और हमारी क्रियाओं के बीच धीरे धीरे कर्मकांड और आडंबर आता गया। जो जितना धनी आदमी उतना बड़ा आडंबर, जो जितना समृद्ध व्यक्ति उतना ही बड़ा आवरण। तो हमारे अपने जो देवता थे, जो अरूप तो थे लेकिन हमने स्वरूप के रूप में चित्रण किया, उन्हें इस समाज में लाने के बाद जब हमने उनके मनुष्य के आधार पर वस्त्र आभूषण खान पान रहना इन तमाम बातों की कल्पना की, तो उसमें धीरे धीरे उच्चता के आधार पर कर्मकांड आता चला गया, और फिर यह कर्मकांड अनिवार्यता होता चला गया। जब अनिवार्य हो गया तो शंकराचार्य की वह बात कि देवो विद्युते ही भावो, देवता भाव में निवास करता है, यह संकल्पना धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। और फिर उसके बाद ये होने लगा कि जितनी बड़ी दुकान उतना मीठा पकवान, और इस तरीके से समाज में सगुण भक्ति को लेकर के इतना आडंबर इतना बाह्याचार फैला कि मनुष्य का जीवन धीरे धीरे जटिल होता गया। और इसी जटिलता के कारण इस मध्य युग में इसी धर्म और भक्ति को लेकर के एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसके कारण से हम इस कालखंड को भक्ति आंदोलन ही कह जाते हैं। तो उसी भक्ति आंदोलन को लेकर जब सामाजिक धार्मिक सुधारात्मक प्रक्रिया शुरू हुई तो शंकराचार्य कुमारिल भट्ट और गुप्त युगीन अनेक शासकों ने धर्म सुधार आंदोलन जो छेड़ा था उसके परिणाम स्वरूप सनातन ब्राह्मण धर्म में अनेक सुधारात्मक कार्यवाहियाँ हुईं। और पहली बार ऐसा लगा कि लोग धार्मिक कर्मकांडों को छोड़कर उपनिषदों की बात करने लगे, वह उपनिषद जिसमें एक ब्रह्म की बात की गई, वह उपनिषद जिसमें निर्गुण निराकार की बात की गई, वह उपनिषद जो ईश्वर अगम्य है, अगोचर है, अनत है, अचल है, असनाविरम है, सूक्ष्म है, मन से भी तेज गतिमान है, इत्यादि जैसे विशेषणों के साथ उस ईश्वर को याद किया गया, उस ब्रह्म को याद किया गया, और उस ब्रह्म से जीव के संबंधों की बात की गई। अब सनातन ब्राह्मण धर्म सरल होने लगा। नतीजा ये हुआ कि जो जन समुदाय बौद्ध और जैनों की तरफ एक बारगी जाने लगे थे उनका प्रवाह धीरे धीरे अब रुकने लगा। रुकने के बाद जब बौद्ध संप्रदाय के विभिन्न बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों के बीच जब लोगों की कमी होने लगी और उनके गुरुओं को लगने लगा कि अब जनता धीरे धीरे मोह भंग कर रही है, तो उन्होंने अपने अन्य स्थानीय संप्रदायों से तमाम उन्होंने तंत्र मंत्र साधना की बधनियाँ लेकर एक बार फिर से लोगों को मुग्ध करने लगे, रिझाने लगे। लेकिन इधर जो सनातन ब्राह्मण धर्म में जो सुधार हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दर्शन की स्थापना की थी, उस अद्वैतवाद दर्शन की प्रतिक्रिया में अनेक अनेक वैष्णव संप्रदायों और उनके विचारों ने जन्म लिया, जैसे रामानुजाचार्य, जैसे मध्वाचार्य,
जैसे निम्बार्काचार्य, जैसे वल्लभाचार्य। तो शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के बाद जो ये तमाम अलग अलग वैष्णव दर्शन जो निकले, इन वैष्णव दर्शनों में हर आचार्य ने अपने अपने ब्रह्म की कल्पना अपने अपने संकल्पना के आधार पर किया, अपने अपने विचार के आधार पर किया, जिसमें उन्होंने उसी विष्णु के रूप को कोई नारायण कहता है, कोई उन्हें कृष्ण कहता है, कोई उन्हें वसुदेव कहता है, कोई उन्हें श्री राम कहता है, अलग अलग, कहीं श्री हैं, कहीं नारायण हैं, कहीं कृष्ण हैं, कहीं राम हैं, अलग अलग तरीके से लोगों ने उस विष्णु रूप की उपासना करने की पद्धति शुरू की। और ब्रह्म की शक्ति को उन्होंने ईश्वर की अर्धांगिनी के रूप में कल्पित किया, यानी कि जहाँ ब्रह्म है वहीं ब्रह्म की शक्ति है। तो ब्रह्म को नायक के रूप में कल्पित किया और ब्रह्म की शक्ति को नायिका के रूप में कल्पित किया। आगे चल करके ब्रह्म के नायकत्व और इसकी नायिका, इन दोनों को जब मनुष्य रूप धारण कराया गया, तो वहीं पर जा करके कहीं कृष्ण बनते हैं, कहीं राधा बनती हैं, कहीं श्री राम बनते हैं, कहीं सीता बनती हैं, कहीं शिव बनते हैं, कहीं पार्वती बनती हैं। अर्थात यह ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार और इन आचार्यों के अनुसार ब्रह्म जब अपने सगुण रूप में आता है तो इन्हें नायकत्व दिया जाता है, और नायकत्व के कारण कहीं कृष्ण बनते हैं, कहीं राम बनते हैं, कहीं शिव बनते हैं। और ब्रह्म की जो शक्ति है उन्हें भी नायकत्व का अधिकार दिया जाता है, तो ब्रह्म की शक्ति कहीं राधा बनती हैं, कहीं सीता बनती हैं, कहीं पार्वती बनती हैं। इस तरीके से ब्रह्म ब्रह्म की शक्ति मिलकर के और जगत की संरचना करते हैं, और यह वही जगत है जिसमें जीव विचरण करता है। इस विचरण करते हुए जीव और ब्रह्म के बीच जो साधन है वह है भक्ति, और इस भक्ति के कारण यह जीव अपने उस इष्ट को प्राप्त करता है। लेकिन भक्ति के साधनों में जो आई भेद है, उस भेद के कारण हमारी आचरण पद्धति बदलती चली गई, और इस आचरण पद्धति के बदलने के साथ साथ हमारे जो कर्म कांड हैं उनका भी आधार बदलता चला गया। फिर धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे दिखावा और ढोंग आना शुरू हुआ, इसका स्वरूप ही बदलता चला गया। और इस कारण से इन पंथों के जो नए पंथ निकले, इन वैष्णव दर्शनों में जो नए पंथ निकले, उन पंथों के अपने अलग अलग आचरण विचार दिखने लगे, और इन आचरण विचार दिखने के कारण इसमें विविधता आई। इस विविधता के कारण ही इन दर्शनों में और इन दर्शन के मानने वाले कवियों ने अपनी भक्ति के गीत रचे, और उन भक्ति के गीतों में उनके अपनी भक्ति के स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप और ब्रह्म और जीव के संबंधों का उचित निरूपण किया गया है। तो इस सगुण भक्ति की परिकल्पना हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में कैसे आई, और हिंदी साहित्य में साहित्य के अंतर्गत, न कि धर्म के अंतर्गत, हिंदी साहित्य में साहित्य के अंतर्गत हम किस प्रकार समझते हैं, आज इसकी चर्चा हम लोग इस सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत समझेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि 7वीं 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में भक्ति की जो लहर चली थी, वह धीरे धीरे उत्तर भारत में चलकर एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। भक्ति की चेतना के कारण बड़े स्तर पर निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य की रचना हुई। साथ ही सगुण भक्ति धारा के कवियों ने राम और कृष्ण को अपना काव्य पुरुष बनाया। इन सगुण भक्तों की भावना निर्गुण भगवान की भक्ति से तृप्त नहीं हुई थी। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि समाज में जो धार्मिक व्यक्ति था या जो भक्त था, ईश्वर को मानने वाला था, जब उन्होंने नाथपंथी शून्य ब्रह्म की बात सुनी या नाथपंथ के वैराग्य के आचरण को सुना, और घर के गृहस्थी से दूर विरत होकर उन्होंने भक्ति की उपासना पद्धति जब देखी, तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इस सामाजिक प्राणी के मन में बड़े ही निर्विकार भाव से उन विचारधाराओं को, जो वैराग्य की बात करता है, जो हठ की बात करता है, जो घर परिवार और गृहस्थ से दूर रहने की बात करता है, ये जनमानस को कहीं ना कहीं क्लांत कर गया। और इसी क्लांति के कारण इसका मन अनमना सा रहने लगा, बहुत बुझा बुझा सा रहने लगा, और इस निर्गुण तत्व में और निर्गुण ज्ञान के बीच उसका मन स्थिर नहीं था, चकरी की भांति डोलता रहा। अब इस चंचल मन को स्थिर कैसे किया जाए, इस कारण से उसे ज़रूरत एक ऐसे दर्शन की थी
जिस दर्शन के कारण उसके इस चंचल और अस्थिर मन को स्थिरता प्राप्त हो सके, शांति प्राप्त हो सके। तो उस समय ऐसे दर्शन प्रकाश में आए जिन दर्शनों में ब्रह्म सगुण होकर एक आलंबन के रूप में प्रस्तुत हुआ। और जब ब्रह्म सगुण होकर एक आलंबन के रूप में प्रस्तुत हुआ तो इस सामाजिक प्राणी मनुष्य को जैसे एक ऐसा आलंबन मिला जिसको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता, और वो उसी ईश्वर पर, उसी सगुण ब्रह्म के रूप पर रीझ गया और उसी को अपना आलंबन मानकर अपनी भक्ति उपासना प्रक्रिया शुरू कर दी। आगे देखते हैं कि साथ ही सगुण भक्ति धारा के कवियों ने राम और कृष्ण को अपना काव्य पुरुष बनाया। इन सगुण भक्तों की भावना निर्गुण भगवान की भक्ति से तृप्त नहीं हुई थी, इन्होंने परमात्मा के अवतार के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की, जिसमें भक्ति जो प्रेम और श्रद्धा युक्त थी का अद्भुत स्रोत प्रवाहित था। भक्ति काल के अन्य आंदोलनों की तरह ही सगुण भक्ति भी एक आंदोलन था जिसे पूर्णतः धार्मिक आंदोलन कहा जा सकता है। मनुष्यत्व की उच्चतम साधना एवं सच्चिदानंद को अनुभूत करने के साधन के रूप में इसकी प्राप्ति हुई थी। निर्गुण जो सगुण भक्ति है उसके बारे में कहा जा सकता है कि मनुष्यत्व की उच्चतम साधना एवं सच्चिदानंद को, अर्थात ब्रह्म को अनुभूत करने के साधन के रूप में इस सगुण भक्ति की प्राप्त हुई थी। सगुण भक्त कवियों ने परमात्मा के अवतार के प्रति भगवान अर्थात कृष्ण और राम को अपने प्रेम का आलंबन बनाकर अपने ही रूप में उन्हें देखा एवं ब्रह्म के रूप का अवतार में सृष्टि की। ऐसा माना जाता है कि सगुण भक्त कवियों ने जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात की, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म दरअसल था तो निराकार ही, लेकिन उसे सगुण रूप में इन भक्त कवियों ने देखा था, और उसे जब इस संसार में सगुण रूप देने की बात आई तो अपने विचार से ही उन्होंने इसका सगुण रूप चित्रित किया। उदाहरण के तौर पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन की प्रतिक्रिया में रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत दर्शन आया। इस विशिष्टाद्वैत दर्शन में ये कहा गया कि ब्रह्म जो है सत्य है, और ब्रह्म द्वारा जो निर्मित जगत है यह जगत भी सत्य है, क्योंकि अगर ब्रह्म सत्य है तो सत्य से सत्य का ही निर्माण हो सकता है। सोने के एक खंड से सोना ही अलग होगा, चांदी अलग नहीं होगा, ऐसा इनकी मान्यता है। ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य है, जबकि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। क्यों? क्योंकि माया के वशीभूत होकर ब्रह्म ने इस सृष्टि को रचा है। माया है तो जगत है, और माया मिथ्या है तो जगत भी मिथ्या है। लेकिन रामानुजाचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म द्वारा रचित जगत असत्य हो ही नहीं सकता, जगत भी सत्य है। और इस जगत में जो जीव है यह जीव भी सत्य है, और इस जगत से जो उत्पन्न दुख हैं जब यह जीव को व्याप्त होते हैं तो ब्रह्म दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह जीव ब्रह्म का ही अंश है। तो जैसे ही यह जीव जगत के दुखों से, और आप जानते हैं कि दुख तीन प्रकार के हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में रचा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहु नहीं व्यापा। यदि एक ऐसा राम राज की संकल्पना करते हैं तुलसीदास जिसमें किसी भी प्रकार का दुख, चाहे दैहिक हो, चाहे दैविक हो या भौतिक हो, किसी भी प्रकार का दुख नहीं व्याप्त होना चाहिए किसी भी मनुष्य को, बहुत मुश्किल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर किसी मनुष्य के पास अगर दैविक या भौतिक दुख नहीं है तो दैहिक दुख बहुत पीड़ित करता है, और अगर दैहिक दुख भी नहीं है और दैविक दुख भी नहीं है तो भौतिक दुख बहुत सताता है, और जब तक संसार में है तब तक भौतिकता तो सताती ही रहेगी,
चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। तो इस आधार पर कहा गया कि जो जीव है वह जगत से प्राप्त दुखों से जब जब दुखी होता है, इसके दुखों से व्यथित होकर ब्रह्म इस जगत में अवतार लेता है, यही आपका अवतारवाद शुरू हो जाता है। महाभारत की पंक्तियों में भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधुनाम सज्जनों की त्राण के लिए, बिना आशाय च दुष्कृताम और दुष्कृत्यों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना हेतु संभवामि युग युगे। कहा जाता है कि वह ब्रह्म इस भारत भूमि पर अवतार लेता है, भारत भूमि समस्त भूमि पर अवतार लेता है। तो जब जब जीव इस जगत में दुखी होता है, उस जीव के दुखों से व्यथित होकर यह ब्रह्म जो जीव का ही पूर्ण रूप है, यह जगत में आता है। और जगत में आने के बाद क्या करता है, इसको ऐसे समझें, जगत में आने के बाद यह सबसे पहला काम करता है कि जीव के दुखों को दूर करता है। अब मान लीजिए कि यह जीव है, यह क्या है, जीव, और इसमें तीन प्रकार के, ये मान लीजिए कि ये उसके कष्ट हैं, ये पांच प्रकार के कष्ट हैं। तो ब्रह्म सबसे पहले आते ही इन कष्टों को हरण करता है, इन कष्टों को दूर करता है और इनको निकाल के फेंक देता है। जब ये कष्ट निकल गए तो यहाँ पर जो गड्ढे बने, यानी कि जो जीव के हृदय में जो खालीपन है, जो रिक्तियाँ हैं, अब वो गड्ढे, तो जैसे आपको फोड़ा हुआ, फोड़ा होने के बाद आपने फोड़े को उस अंतिम कील को निकाल कर बाहर कर दिया, डॉक्टर ने उसे पकाया, पकाने के बाद जब अंतिम कील निकल गई, फिर धीरे धीरे फोड़ा गड्ढा बन जाता है, फिर सूखना शुरू होता है। ब्रह्म भी जगत में आकर जीव में व्याप्त इन कष्टों को, इन दुखों को जब बाहर कर देता है, तो इन खाली जगहों को वो अपने प्रेममयी क्रियाओं से उनको भरता है। ब्रह्म दुखों को दूर करने के बाद जीव में अपने प्रेममय क्रियाओं से उन दुखों के स्थान पर, उन कष्टों के स्थान पर प्रेममय क्रियाओं से प्रेम भरता है, प्रेममय क्रियाओं से प्रेम भरता है। और यही जो प्रेममय क्रियाएं हैं, इन्हीं को हम लोग लीला कहते हैं। अर्थात हम कहते हैं कि ब्रह्म लीला कर रहा है, तो वह लीला किसके लिए कर रहा है, हम जीव के लिए कर रहा है। अर्थात ब्रह्म जब जगत में अवतार लेकर जीव के कष्टों को दूर करने के लिए आता है, तो जीव के दुखों को दूर तो कर देता है, जीव के दुखों को दूर करने के बाद वह अपने प्रेममयी क्रियाओं से उस जीव के भीतर प्रेम भरता है। और जब जीव में इस प्रेम का भराव हो जाता है, तो जो जीव की दशा है और जो ब्रह्म की दशा है, वो दोनों सेम हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, दोनों की स्थिति एक हो जाती है। और जिस दशा में या जिस स्थिति में ब्रह्म और जीव दोनों की स्थिति एक हो जाती है, या यूं कह लें कि दोनों का ब्लूटूथ मैच कर जाता है, तो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, अर्थात ये दोनों क्या होते हैं, एक हो जाते हैं, और ब्रह्म और जीव एक हो जाते हैं। इस विशिष्ट स्थिति में जबकि जीव के अंदर का दुख समाप्त हो गया और उसके बदले ब्रह्म ने अपनी प्रेममयी क्रियाओं से अर्थात लीला से मनुष्य के हृदय में प्रेम भर दिया, और जब जीव की स्थिति ब्रह्म की स्थिति के बराबर हो गई, उस दशा में ब्रह्म और जीव एक हो जाते हैं। और ब्रह्म और जीव के एक हो जाने के बाद दोनों में एक अद्वैत की स्थिति आ जाती है, और ये दोनों एक हो जाते हैं। और जब दोनों एक हो जाते हैं, तो आप जानते ही हैं, हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है कि मियाँ बीबी राजी, क्या करेंगे काजी। जब ब्रह्म और जीव एक हो गए, तो जगत की क्या हैसियत, जीव खुद ही ब्रह्ममय हो गया, और जब खुद जीव ही ब्रह्ममय हो गया, तब जगत की कोई कौन चलावे, जब ब्रह्म और जीव एक हो गए। तो ऐसी दशा में अब इस दर्शन को समझाने के लिए
हमारे आचार्यों ने जिन गूढ़ बातों का प्राविधान किया, अब उन गूढ़ बातों को इनके अनुयायियों ने या इनके मानने वाले भक्त कवियों ने अपने गीतों में ढाला, अपने गीतों का विषय बनाया इसी दर्शन को। और इस दर्शन में उन्होंने ब्रह्म को एक नायकत्व देने की बात की। तो जब ब्रह्म को नायकत्व देने की बात आई, तो ब्रह्म को नायकत्व हम किसको देंगे? किसी ताकतवर मजबूत आदमी को, जिसमें ज्ञान भी हो, जिसमें शौर्य भी हो, जिसमें विनम्रता भी हो और जिसमें रौद्र रूप भी हो, यानी हर तरीके से सक्षम हो। तो अब उस मनुष्य की खोज होने लगी कि जिसमें हम इस ब्रह्म के नायकत्व का आरोपण कर सकें। तो भारतीय ऐतिहासिक पौराणिक व्यक्तियों के बीच हमारे यहाँ दो ऐसे महानायक प्राप्त होते हैं, राम और कृष्ण, जिनमें वह तमाम गुण पाए जाते हैं जो ब्रह्म विषयक गुण हो सकते थे। तो हमारे समय के इन दर्शनों के प्रणेता आचार्यों के जो भक्त शिष्य थे, उन भक्त शिष्यों ने अपने गीतों में इन्हीं दर्शनों का आरोपण अपने समय के दो महानायक श्री राम और श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में इन गुणों का आरोपण कर दिया जो ब्रह्म के गुण थे, और हमारे बीच उन्हीं को विष्णु का अवतार मानकर और उन्हीं को जगत में अवतारित कर दिया गया और उन्हीं को महानायकत्व रूप दे करके उन्हीं पर गीत रचे जाने लगे। और उन पर आधारित जो भी गीत रचे गए, वो या तो राम के गीत थे, वो कृष्ण के गीत थे, या राम काव्य था या कृष्ण काव्य था। तो राम को आधार मानकर जो काव्य रचा भक्त कवियों ने, वो राम काव्य के अंतर्गत लिया गया। और जब श्री कृष्ण को आधार मानकर जब श्री कृष्ण के गीत गाया गया, ब्रह्म के गीत गाया गया, तो उस भक्ति काव्य को कृष्ण भक्ति काव्य कहा गया। अब मेरा ख्याल है कि इस सगुण भक्ति के इस मूल दर्शन अर्थात विशिष्टाद्वैतवाद को आपने खूब अच्छे से समझा, और इसी विशिष्टाद्वैतवाद के इस ब्रह्म को जब भक्त कवियों ने कृष्ण कविता के रूप में गाया तो कृष्ण काव्य कहलाया, और जो राम काव्य के रूप में गाया वह राम काव्य कहलाया। इसी दर्शन को हम लोग इस सगुण भक्त काव्य धारा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि सगुण भक्त कवियों ने परमात्मा के अवतार के प्रति भगवान को अपने प्रेम का आलंबन बनाकर अपने ही रूप में उन्हें देखा एवं ब्रह्म के रूप का अवतार में सृष्टि की। इस अवतार का अर्थ है उतर कर आना, इस अवतार का अर्थ है उतर कर आना, अर्थात ब्रह्म का मनुष्य रूप धारण कर जगत में आना। सभी सगुण भक्तों ने अवतारवाद को मान्यता दी। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में इस अवतारवाद की मीमांसा मिलती है। सगुण भक्त कवियों का परमात्मा केवल साधुओं एवं संतों की रक्षा के लिए अवतार नहीं लेता, अपने क्रोध एवं शक्ति से सृष्टि का लय मतलब सृजन एवं विनाश जनरेट भी करना और डिस्ट्रॉय भी करना। सगुण भक्त कवियों का परमात्मा केवल साधुओं एवं संतों की रक्षा के लिए अवतार नहीं लेता, अपने क्रोध एवं शक्ति से सृष्टि का लय अर्थात सृजन एवं विनाश करने हेतु अवतरित नहीं होता, बल्कि उसके अवतार का मुख्य कारण है लीला द्वारा भक्तों पर अनुग्रह। बहुत ही खूबसूरत बात कही है वैष्णव संतों ने। अक्सर हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, खासकर हम लोग अनेक अनेक युगों तक, अनेक अनेक वर्षों तक हम लोग पीड़ित प्रताड़ित रहे। भारतीय जनमानस बहुत ही भावुक है। अब भारतीय जनमानस की स्थिति को समझने के लिए भारतीय प्रायद्वीपीय प्रदेशों को समझना होगा। पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया महाद्वीप है। भारत महाद्वीप नहीं है, लेकिन महाद्वीप से कम भी नहीं है, इसीलिए इस भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। और इस भारत के उपमहाद्वीप में आपको इतनी विविधता मिलेगी जितनी विविधता पूरे विश्व में नहीं है। और अगर पूरे विश्व को जानना हो, पूरे विश्व को देखना हो, तो पहले आप अपने भारत को देखिए, भारत की संस्कृति को समझिए। यहाँ अफ्रीकन जैसे लोग मिलेंगे तो रशियन जैसे भी लोग मिलेंगे। यहाँ पर यूरोपियन शैली की चीज़ें मिलेंगी तो आपको इंडोनेशिया, कंबोडिया जैसी भी चीज़ें मिलेंगी। इन तमाम बातों पर विचार करते हुए आप भारत की विविधता को समझ सकते हैं। इस विविधतापूर्ण भारतीय समाज में जो मनुष्य था,
उसके विचारों में भी विविधता थी, और वह अपने विचारों से जिस दर्शन, जिस मानवीयता का पोषण किया, उस मानवीयता में भावुकता ज़्यादा थी। हमने जिसने मित्र कहा उसको मित्रता से भी आगे बढ़ करके उसकी बातें की, और जिसने शत्रु समझा तो रण में दिखा दिया कि शत्रुता क्या होती है। कुल मिलाकर भारतीयों की मन स्थिति के बारे में जब बात की जाती है तो ये पाया जाता है कि इनमें भावुकता और प्रेम सर्वाधिक मात्रा में है। इस भावुकता और प्रेम को समझते हुए इस समय के आचार्यों ने जिस दर्शन की प्रस्तावना की, उन दर्शनों में जिस ईश्वर की बात की गई, जिस ब्रह्म के अवतार की बात की गई, उसमें यह माना गया कि वह ब्रह्म जब भी अवतार लेता है दुष्टों के विनाश के लिए आता है। अब एक प्रश्न ये आता है कि जब वो ब्रह्म के सब संतान हैं तो दुष्ट कौन है और सज्जन कौन है? ब्रह्म की नज़र में तो सब एक बराबर हैं, सब उसके संतान हैं। या यूं कह लें कि एक ही माता के चार पुत्र हों और उनमें से तीन सज्जन हो और एक बदमाश हो, तो क्या माता उस बच्चन का गला दबा देती है क्या? नहीं, डांटती है, झिड़कती है, और ये डांटना झिड़कना उसे सिखाने की क्रिया होती है। लेकिन इतना क्रोधित नहीं होती कि वह उसका गला ही दबा दे, उसकी हत्या ही कर दे। तो जब माँ अपने संतान की हत्या नहीं कर सकती तो वह ईश्वर वध कैसे कर सकता है? इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसीलिए कहा गया है, महाभारतकार ने अपनी पंक्ति में कहा है कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों के त्राण के लिए और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत्यों के विनाश के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए नहीं, दुष्कृत्यों के विनाश के लिए वह ब्रह्म अवतार लेता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े हथियारों से ब्रह्म को सजा दिया गया, ब्रह्म को उस अवतार को सजा दिया गया, और कहा गया कि दुष्टों के नाश के लिए धरा पर आया है। नहीं मेरे भाई, ब्रह्म दुष्टों के विनाश के लिए नहीं आया है। ये हमारी पराजित मनोवृत्ति है कि अपने ब्रह्म को हम हथियारों से सन्नद्ध कर देते हैं, हम अपने ब्रह्म को हथियारों से लैश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हथियार बंद आदमी में ही हम अपनी सुरक्षा देखते हैं, जबकि भारतीय दर्शन में ऐसी बात नहीं है। हम हथियारों के प्रतीक को इसलिए लेते हैं कि वह ईश्वर इन सब संसाधनों से भी सक्षम है, लेकिन उस ब्रह्म की क्रिया मारना नहीं है, बल्कि उस ब्रह्म की क्रिया अपने प्रेममय व्यवहार से, अपने लीला से भक्तों के हृदय में प्रेम भरना है। इसीलिए वैष्णव धर्म के एक बड़े संत कवि ने अपने एक भजन में इस वैष्णव धर्म की विशेषता बताते हुए गाया है कि वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे, अर्थात वैष्णव वही हो सकता है जो दूसरों की पीड़ा को समझे। इस भजन को नरसिंह मेहता ने लिखा, गुजरात के थे, और गुजरात के ही महात्मा गांधी ने खूब गाया, इसे अपना भजन ही बना लिया। अब आप खुद सोचें कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे के पीड़ा को समझता हो तो वास्तविक वैष्णव है, तो उस वैष्णव का जो ब्रह्म है वो हिंसक कैसे हो सकता है? अर्थात कतई नहीं हो सकता। मुझे याद है बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो विद्यालयों में बाल सभा का कार्यक्रम होता था। उन बाल सभाओं में मेरी माता जी एक भजन सुनाती रहती थी, कई ऐसे भजन और गीत उन्होंने सिखाई। एक भजन जो बहुत लोकप्रिय था, बहुत गाया जाता था, कि राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम जी की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान करिए, राम का गुणगान करिए। इसमें जो लाइन आई है कि राम का गुणगान करिए और राम जी की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, तो राम जी की भद्रता क्या है? राम जी की भद्रता है अपने माओं का आज्ञापालक पुत्र होना, अपने पिता का आदरपूर्वक उनकी इच्छाओं का पालन करना, अपने राज्य के राज्यवासियों का ख्याल रखना, प्रजावत्सल बनना, ऊंच नीच का भेद मिटाते हुए केवट और सबरी के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, यही तो उनकी भद्रता है। और सभ्यता का ध्यान धरी, सभ्यता क्या है? अपने दुश्मन से भी वो प्रेम से बात करते हैं, चाहे रावण हो चाहे राजा बाली हो, सबके बीच वो सभ्यता का पाठ पढ़ाते हैं। तो अगर हम उनके अनुयायी हैं तो हमारे बीच भी यह धारणा होनी चाहिए कि वह राम जैसी भद्रता आ जाए,
राम जैसी सभ्यता आ जाए। अगर ऐसा होता है तभी हम रामोपासक हो सकते हैं, तभी हम वैष्णव हो सकते हैं, क्योंकि वैष्णव धर्म का मूल दर्शन है अहिंसा। तो वे कौन से लोग हैं जो अपने आप को वैष्णव तो कहते हैं, रामोपासक तो कहते हैं और हिंसा पर विश्वास करते हैं? अगर वैष्णव संप्रदाय का मूल दर्शन हिंसा नहीं है, अहिंसा है, तो हमें भी उस अहिंसा का पालन करते हुए वैष्णव होने का गर्व करना चाहिए। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ समाज में नहीं है। इसी दर्शन को बताने के लिए वैष्णव आचार्यों ने अपने सिद्धांत दिए और उनके सिद्धांतों को उनके भक्त कवियों ने अपने गीतों में रच डाला, और वही गीतों में रची हुई बातें जब हिंदी साहित्य में मिलती हैं उन पर हम शोध करते हैं, और जिससे पता चलता है कि इसी मध्ययुग में एक ऐसी भी धारा थी जो सगुण ब्रह्म की उपासना की बात करती थी, उनके गीतों में सगुण भक्त की उपासना की बात आई है, इसलिए यह सगुण काव्य धारा के अंतर्गत माना गया। और इस सगुण काव्य धारा में कुछ भक्त कवियों ने विष्णु के राम अवतार का रूप धारण किया और कुछ कवियों ने कृष्ण रूप को ग्रहण किया। तो राम का रूप ग्रहण करने के कारण जो भक्ति पद रचे गए वो राम काव्य धारा के अंतर्गत आए, और जो कृष्ण भक्ति को ग्रहण किए गए वो कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आए। आगे देखते हैं कि सगुण भक्त कवियों का परमात्मा केवल साधुओं और संतों की रक्षा के लिए अवतार नहीं लेता, अपने क्रोध एवं शक्ति से सृष्टि का लय अर्थात सृजन विनाश करने हेतु अवतरित नहीं होता, बल्कि उसके अवतार का मुख्य कारण है लीला द्वारा भक्तों पर अनुग्रह। वो अपने भक्तों का दुश्मन नहीं है, वो संसार के हर एक प्राणी का दुश्मन नहीं है, अर्थात उनकी दुष्टता, संसार के जीवों में जो दुष्टता है, जो नकारात्मक छवि है, उनको सुधारने के लिए अवतार लेता है और अपने आचरण से, अपने लीला से, अपने प्रेममय क्रिया व्यवहारों से उनके हृदय में प्रेम भरता है, और उसी प्रेम के कारण इन जीवों की स्थिति विराट होती है। और जब इन जीवों की स्थिति विराट होती है तो यह जीव भी ब्रह्ममय होकर उस ब्रह्म में जुड़ जाते हैं, तभी उस दशा में कहा जाता है कि यह विशिष्टाद्वैतवाद है, अर्थात विशिष्ट स्थिति में जीव का ब्रह्म से एकजुट हो जाना, द्वैत भाव न रहना बल्कि एक हो जाना, यही है विशिष्टाद्वैतवाद। भक्तों की अभिलाषा भगवान की लीला का सहचर बनने की होती है, अतः भक्तों को अनिर्वचनीय आनंद प्रदान करने के लिए भगवान अवतार धारण, जैसा कि कहा भी गया है कि भगत हेतु लीला तन धरई, करते हैं। कहा जाता है कि जैसा वेश धारण करो वैसा ही आचरण करो। इसका मतलब है कि इसी सिद्धांत के अनुसार भगवान मानवीय रूप धारण करते हैं, और उनके इस अवतार के तीन रूप हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस अवतार के, ब्रह्म के अवतार के कितने रूप हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि भगवान का अवतार तीन रूपों में होता है। कभी वो स्वयं रूप में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप धारण करके कृष्ण और राम के रूप में उपस्थित होकर लीला करते हैं। कभी तदेकात्म रूप में होते हैं जिसमें वो मत्स्य, कच्छप, वराह, वामन की बात करते हैं। कभी वो आवेश रूप में धारण रूप लेते हैं जिसमें ज्ञान भक्ति द्वारा कुछ भक्तों में अवतरित होते हैं। अब स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश रूप, ये तीनों ब्रह्म के धारण के रूप हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने सृष्टि के सृजन के समय आपने देखा कि सृष्टि का सृजन कैसे होता है, उनमें एक प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया क्या है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि सृष्टि के सृजन में जब कुछ भी नहीं था, जब केवल नाद था, तब एक बिंदु आया, बिंदु माने प्रकाश। उस नाद और बिंदु के संयोग से सृष्टि निर्मित हुई, और जब सृष्टि निर्मित हुई तो कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था। जब जल ही जल था तो ब्रह्म की क्या भूमिका थी? इस भूमिका को समझाने के लिए वैष्णव मतावलंबी आचार्यों ने कहा कि सर्वप्रथम जब ब्रह्म ने सृष्टि सृजन की बात सोची तो उसके मन में ख्याल आया कि एक ऐसा प्राणी भी विकसित करना चाहिए जो हमारा वाहक हो इस पृथ्वी पर। फिर उसने मछली रूप मत्स्य अवतार की संकल्पना की। अचानक 6 फीट के अमिताभ बच्चन नहीं पैदा हो गए, मत्स्य जो मैक्सिमम टाइम पानी में रहती है और कुछ देर के लिए पृथ्वी पर आती, भूमि पर आती है, लेकिन ज़्यादा देर तक भूमि पर रहेगी तो मर जाएगी। कविता है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, बाहर निकालेंगे मर जाएगी, तो इसलिए मैक्सिमम टाइम पानी में रहती है। ब्रह्म की पहली तखलीक, ब्रह्म की पहली संरचना मत्स्य अवतार के रूप में।
अब ब्रह्म को सूझा कि कुछ ऐसा किया जाए युगों बाद कि जो मैक्सिमम टाइम भूमि पर रहे और कम समय के लिए पानी में। तो कछपा अवतार शुरू हुआ, कछुआ का अवतार, जो मैक्सिमम टाइम बाहर रहता है, मतलब बाहर अधिक समय तक समय बिता सकता है और फिर पानी में चला जाता है। फिर ब्रह्म को सदियों बाद कई कल्पों में यह बात सूझी कि कुछ ऐसा अवतार किया जाए जो अब प्रायः ज़मीन पर रहे और जल में कम रहे। वराह अवतार, जो गुप्त युग में सर्वाधिक प्रधान अवतार है। तो वराह एक ऐसा जीव है जो अधिकतम स्थल पर रहता है लेकिन पानी देखते ही उसमें कुलांचे भर कर डूब जाता है, कहीं गड्ढा गुड्ढी देखता उसमें डूब जाता है वो। फिर इसके बाद ब्रह्म को सूझा कि अब कुछ ऐसा जीव बताया जाए जो पूर्णतः भूमिवासी हो और वहीं से मनुष्य का विकास हो। तब ब्रह्म ने अपने उस रूप की संरचना की जो नरसिंह अवतार कहा जाता है, अर्थात आधा शरीर नर का और आधा शरीर मनुष्य का। और जैसे ही ब्रह्म को अन्य सदियों में जब अवतार की बात सूझी तो उसने उस नरसिंह से नर को अलग किया और सिंह को अलग किया। जब नरसिंह नामक एक पूर्ण पदार्थ से जब नर को अलग किया तो वह नर बड़ा नहीं था बल्कि वामन था, इसलिए नरसिंह के बाद वामन अवतार की संकल्पना आई। और जब नरसिंह के बाद वामन अवतार की संकल्पना आई तो फिर उसके बाद मनुष्य की संरचना विकसित होने लगी और धीरे धीरे हमारे बीच ऐसे ऐसे महापुरुष आने लगे जो वामन के बाद कृष्ण, फिर राम, फिर इस तरीके से कृष्ण, वामन के बाद राम, फिर कृष्ण, फिर देखते देखते दसों अवतारों में अंतिम अवतार बुद्ध को लेते हुए कल के अवतार तक की बात की गई। अर्थात जैसे सृष्टि की संरचना का नियम है उसी तरीके से भक्तों के विचारों के अपने भी नियम हैं और इन्हीं नियमों से जो सिद्धांत फूटा उन्हीं सिद्धांतों को लेकर भक्त कवियों ने अपनी कविता में गीत बनाकर गाने की कोशिश की। और उन्हीं गीतों को जब हम पढ़ते हैं, उसे साहित्य की भाषा में, पुरानी हिंदी भाषा में जब रचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो जो साहित्य प्राप्त होता है उन्हें भक्तिपरक साहित्य कहा जाता है। और यह भक्तिपरक साहित्य का जो समय है वो मध्ययुग है, जो आदिकाल के बाद आता है। और इसी मध्ययुग के साहित्य को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक निर्गुण पंथ का साहित्य, एक वैष्णव सगुण पंथ का साहित्य। इसी वैष्णव सगुण पंथ की बात आज हम लोग कर रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि उस ब्रह्म के अवतार के तीन रूप हैं, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश रूप। इन सब अवतारों में श्री कृष्ण और श्री राम के अवतारों में सत्ता श्रेष्ठ मानी जाती है। भक्तिकालीन दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार परमात्मा ब्रह्म है, व्यापक है, जिस रूप में हम उसकी कल्पना करते हैं उसी रूप में वह अवतीर्ण होता है और उसको प्राप्त करने की भक्ति भावना पूर्णतः सगुण भक्ति भावना में होती है। यही कारण है कि जो मर्म स्पर्शिता सगुण भक्ति भावना में है वह निर्गुण भावना में नहीं आई है। इसी आधार पर इस निर्गुण भक्ति भावना को आगे पल्लवित किया गया, प्रसारित किया गया और भावपरक इस भक्ति को आगे बढ़ाया गया। तो आज हम लोगों ने सगुण भक्ति और सगुण भक्ति के अंतर्गत जो भक्ति का विस्तार है, जो दर्शन है, जो अवतारवाद है, जो लीला है, उस पर हम लोगों ने बात की। अपनी अगली कक्षा में हम लोग इस ब्रह्म के, राम और कृष्ण के स्वरूप पर बात करेंगे और उनसे संबंधित भक्ति पर गीतों की बात करेंगे। फिर परीक्षा में जो गीत पूछे जाते हैं, जो पद पूछे जाते हैं, उनकी बात करेंगे और इन रचनाओं के जो रूपक हैं, इन रचनाओं के जो अलंकार हैं, इन कवियों के जो अपनी विशेषताएं हैं, उन पर भी बात करते हुए परीक्षा उपयोगी दृष्टि से हम इस चैप्टर को मजबूत करेंगे, ज्ञानपरक भी बनाएंगे, तथ्यपरक भी बनाएंगे, ताकि आपका दोनों लाभ हो सके, ज्ञानवर्धन भी हो सके और परीक्षा की समुचित तैयारी भी हो सके। तो मुझे यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह व्याख्यान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं आशा करता हूँ और आपको यह आशीर्वाद भी देता हूँ, दिल से भी दुआ देता हूँ कि आप अपनी परीक्षा में सफल हों और हमारे व्याख्यान से आप लाभ उठाएँ और अपनी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएँ।